वेट लॉस सर्जरी उन लोगों के लिए लाइफ सेविंग ऑप्शन है जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है। उनके लिए सिर्फ एक्सरसाइज और डाइट फॉलो करना काम नहीं आता है। इसीलिए जिनका वेट हद से ज्यादा होता है उनको वेट कम करने वेट लॉस सर्जरी करनी पड़ती है। ऑपरेशन के कारण 30-50% तक एक्स्ट्रा वेट 6 महीने में कम होता है। वेट लॉस सर्जरी करना बहुत बड़ा डिसीजन होता है क्योंकि ये कॉस्टली भी होता है। साथ ही सर्जरी के बाद आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। वेट मेंटेन रखने के लिए डाइट और एक्सरसाइज कंटिन्यू रखनी पड़ती है। आजकल लोग ओबेसिटी और ओवरवेट ही काफी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जिस कारण वेट कम करने के लिए वेट लॉस सर्जरी करना प्रेफर करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं वेट लॉस सर्जरी कैसे काम करती है? चलिए इस वीडियो में इस सवाल का जवाब जानते हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि वेट लॉस सर्जरी के कौन से टाइप्स हैं। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्क आई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम जानेंगे वेट लॉस सर्जरी कैसे काम करती है। वेट लॉस सर्जरी अलग टाइप की होती है जिनके इफेक्ट्स भी अलग होते हैं। जैसे कि कुछ सर्जरीज में स्टमक पूरी तरह स्ट्रेच नहीं होता है। नॉर्मली ऑपरेशन के बाद 6 कप तक खाना खा सकते हैं, तो कुछ ऑपरेशंस में सिर्फ 1 कप तक ही खाना पड़ता है। आजकल काफी वेट लॉस सर्जरीज में स्मॉल कट्स करते हैं, जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। सर्जरी के वक्त सर्जन पेट में 5-6 छोटे कट्स करता है। इस होल्स के थ्रू छोटे कैमरा और टूल्स इंसर्ट किए जाते हैं। फिर वीडियो स्क्रीन में देखते हुए ऑपरेशन किया जाता है। कुछ केसेस में ये पॉसिबल नहीं होता है तो पेट के बीच में लार्ज कट किया जाता है। अब हम सर्जरी के टाइप के हिसाब से जानते हैं वेट लॉस सर्जरी के मेथड्स कौन से हैं। टाइप्स ऑफ वेट लॉस सर्जरी। गैस्ट्रिक बाईपास वेट लॉस में बहुत ही कॉमन सर्जरी है। इस सर्जरी के दौरान स्टमक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट लार्ज होता है और एक स्मॉल होता है। उसके बाद स्टमक के स्मॉल पोर्शन को स्टेपल करके स्मॉल पाउच बनाए जाते हैं। उसके बाद स्मॉल पाउचेस को रिकनेक्ट किया जाता है। इस सर्जरी के बाद थोड़ा सा खाना खाने के बाद पेट भरा लगता है, जिस कारण कैलोरीज भी कम अब्सॉर्ब होती है। लेप्रोस्कोपिक एडजस्टेबल। इस सर्जरी में सर्जन लेप्रोस्कोपिक टूल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि ऊपर स्टमक पे इन्फ्लेटेबल सिलिकॉन बैंड लगा सके। इस बैंड को टाइट किया जाता है ताकि पेट नैरो हो जाए। इसका ये रिजल्ट होता है कि पेट की साइज कम हो जाने से आप कम से कम खाते हैं, जिससे वेट कम होने लगता है। इस ट्रीटमेंट सर्जन सिलिकॉन बैंड को जरूरत के हिसाब से टाइट या लूज कर सकते हैं। गैस्ट्रिक स्लीव सर्जरी। इस सर्जरी में स्लीव नाम सुनने में बहुत अलग लगता है, लेकिन इस ऑपरेशन में सर्जन सर्जरी के दौरान स्टमक को ट्यूब या स्लीव की तरह शेप देता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच रहता है। इस सर्जरी के बाद पेट छोटा हो जाने के कारण सिर्फ 2-3 ounces खाना होल्ड कर सकता है और आपको पहले की तरह नॉर्मल भूख भी नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे बॉडी में ग्रेलिन टिश्यू जो भूख का एहसास कराता है वो सर्जरी में नष्ट हो जाता है। और ये ऐसी सर्जरी प्रोसेस है जो एक बार करने के बाद रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये थे वेट लॉस सर्जरी के 3 टाइप। हर सर्जरी के कुछ रिस्क और साइड इफेक्ट्स हैं, जिस कारण डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। आपको कितना वेट लॉस करने की जरूरत है उस हिसाब से सर्जरी करें। तो आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।